हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 3.4 को कवर करेंगे और उससे संबंधित इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। देखिए, इससे पहले कि सभी प्रश्नावलियों की वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप जा करके उन्हें ज़रूर देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें इस टॉपिक में जो पढ़ना है वो है क्या, त्रिकोणमिति समीकरण। त्रिकोणमिति समीकरण, देखिए त्रिकोणमिति समीकरण क्या है, ठीक है। त्रिकोणमिति समीकरणों के हल कैसे ज्ञात करेंगे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो त्रिकोणमिति समीकरण, जैसे हम समीकरण से देख रहे हैं, तो समीकरण में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका तो नाम था त्रिकोणमिति फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन, समझ रहे हैं ना, ट्रिगो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन हम आप जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं उसमें क्या पढ़ना है, हमें त्रिकोणमिति समीकरण। ये त्रिकोणमिति समीकरण क्या है, जैसे हम लोग सामान्य समीकरण लिखते हैं बहुपद में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0, इस प्रकार से ये हमारा क्या है, एक प्रकार का समीकरण है। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के जो समीकरण बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमिति समीकरण। जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर अगर 1 है, ये क्या है हमारा, एक प्रकार से त्रिकोणमिति समीकरण है। क्या है, त्रिकोणमिति समीकरण है। इसी प्रकार से यदि आपके पास हो साइन एक्स बराबर करणी में 3/2, ये भी क्या हमारे पास एक त्रिकोणमिति समीकरण है। ये सब हमारे क्या है, त्रिकोणमिति समीकरण है। ये तो हमारा क्या है, बहुपदी समीकरण था। तो हम लोग चर्चा जो करने वाले हैं वो हमारा आज का विषय रहेगा, त्रिकोणमिति समीकरण, उनके उनके हल। हल क्या होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से। हम यहाँ दो प्रकार के टॉपिक में इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक तो होगा उनका मुख्य मान, क्या होगा मुख्य मान, एक क्या होगा जनरल, सामान्य। क्या होगा, सामान्य, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, व्यापक। क्या कह रहे हैं, व्यापक हल, समझ रहे हैं। ये मुख्य मान वाला हल होगा और क्या होगा, व्यापक हल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य मान देख लेते हैं। मुख्य मान की बात करें तो हम उदाहरणों से चर्चा करना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहली सवाल हम ले लेते हैं, साइन एक्स बराबर करणी में 3/2, ठीक है। यही देखिए, साइन एक्स बराबर करणी में 3/2, साइन एक्स बराबर करणी में 3/2 है। तो आपको इस प्रकार इस त्रिकोणमिति समीकरण पढ़ने के लिए आपको 0 से लेकर के 90 अंश तक की जो हमने टेबल बनवाई थी त्रिकोणमिति में कोणों के माप की, वो सब आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है, साइन एक्स बराबर करणी में 3/2। अगर साइन एक्स बराबर करणी में 3/2 है तो हम देखते हैं कि ये साइन, हम यहाँ देखेंगे कि साइन एक्स कब करणी में 3/2 होगा, मतलब एक्स की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, वह एक्स के किस मान के लिए ये बातें क्या होंगी, किन मानों के लिए ये बातें क्या होंगी, सत्य होंगी, वह सभी हमारे क्या कहलाएंगे, उत्तर कहलाएंगे। तो देखिए, अगर हम लोग देखें तो एक्स का कौन सा मान 3/2 देता, करणी में 3/2 देता है, तो एक्स का कितना होता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री को क्या कहते हैं, π/3, मतलब एक्स का मान यदि π/3 रहे, एक्स का मान क्या रहे, π/3, मतलब साइन π/3 बराबर करणी में 3/2, ये बात क्या हो जाती है हमारे लिए, ये बात हमारे लिए क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है, ठीक है ना। साइन π/3 बराबर कितना, करणी में 3/2, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए सत्य हो गया। आगे बढ़े अगर हम लोग देखें तो ये देखिए पूरा, ये हमारा क्या है, ए है, ये एस है, ये टी है, और ये कौन है, सी है। तो देखिए, हमारे यहाँ आल पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव, यहाँ साइन और क्या होता है, कॉस पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक, तो दूसरे खाने में और मिलेगा, हमें दूसरे खाने में मिलेगा, तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, मतलब एक्स का मान और हम लोग क्या रख सकते हैं, एक्स का मान अगर रखें तो क्या रख सकते हैं, पाई माइनस कितना, पाई बटा तीन, अर्थात 3 × 3 में से एक गया तो कितना, 2π/3। अगर x का मान हम लोग कितना रख दें, अगर x का मान हम लोग 2π/3 रख दें, तब भी जो हमें आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, करणी में 3/2 ही मिलेगा। ऐसे अगर हम लोग देखें तो हमें कुल मिला जुला करके प्लस में जो मान मिलेंगे वो कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। और जो मुख्य मान होता है, जो मुख्य हल होता है, वह किसी भी त्रिकोणमिति के लिए एक चक्कर में मिलने वाले मानों का क्या होता है, क्या होता है, मान होता है, हल होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मुख्य हल। मतलब यहां से अगर चले आप तो ये हमारा क्या है, 0 डिग्री, यहां पहुंचे तो ये क्या हो गया, π/2 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2π, पूरा एक चक्कर। मान लीजिए हमने यहां कोई कोण ले लिया है थीटा, कोई कोण क्या ले लिया है,
थीटा। तो इस पूरे एक चक्कर में किसी भी त्रिकोणमिति के जितने उत्तर आएंगे वे क्या कहलाएंगे, मुख्य मान कहलाएंगे। ये थीटा का जो मान होगा वो जीरो से लेकर कहां तक, टू पाई के बीच का होना चाहिए। थीटा का जो मान है वो जीरो से लेकर कहां तक, टू पाई के बीच का होना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य मान। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है, इसलिए कि अगर हम लोग आगे बढ़े तो फिर से यहां साइन पॉजिटिव मिलेगा, किस खाने में, टू पाई के बाद वाले खाने में। तो कैसे लिखेंगे, टू पाई प्लस पाई बाई तीन, तो कितना हो जाएगा, दो तिहाई छः, छः और एक कितना, सात पाई बाई तीन। मतलब अगर x का मान आप सात पाई बाई तीन रखेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, करणी में तीन बटा दो ही मिलेगा। इस प्रकार आगे बढ़े तो यहाँ हो जाएगा क्या, सात पाई, तो ये कितना हो जाएगा, तीन पाई। तीन पाई में से क्या करें, तीन पाई में से अगर हम लोग पाई बाई तीन घटा दें तो कितना हो जाएगा, तीन तिरिक्का नौ, नौ में से एक कितना, आठ पाई बाई तीन। फिर आठ पाई बाई तीन के लिए भी वही मान होगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग जितने चक्कर यहाँ लगाते रहेंगे उन सब के लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन अगर मुख्य मान की बात होगी तो मुख्य मान के लिए जो वैल्यू देखनी है वो कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर के टू पाई के बीच में ही देखनी है। व्यापक हल की हम बात कर रहे हैं लेकिन इससे पहले कि मुख्य मान, ठीक है, मुख्य मान के लिए हमारा आंसर ऐसे ही निकाला जाएगा। जैसे अगर हम लोग देखें तो आपकी किताब से उदाहरण नंबर ले लेते हैं 18, ठीक है, जिसमें सवाल भी यही ही है जो उदाहरण हमने लिया है कि साइन एक्स बराबर करणी में तीन बटा दो के मुख्य हल ज्ञात कीजिए या मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो हमें क्या करना है, हमें दो मतलब पूरे एक चक्कर में जीरो से टू पाई में देखना है कि करणी में तीन बटा दो साइन कब कब देगा, साइन एक्स जो है वो करणी में तीन बटा दो कब कब देगा। तो एक पहले खाने में साइन पॉजिटिव होता है और एक दूसरे खाने में साइन पॉजिटिव होता है। तो पहले खाने में साइन पॉजिटिव होगा तो उस टाइम एक्स का मान क्या हो जाएगा, उस टाइम एक्स का मान हो जाएगा पाई बाई तीन, एक्स का मान क्या हो जाएगा पाई बाई तीन। और दूसरे खाने में जब पॉजिटिव होगा उस समय एक्स का मान क्या हो जाएगा, पाई में से पाई बटा तीन क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां पहुंचिए और यहां से क्या कर दीजिए, पाई बटा तीन घटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, तीन एकम तीन, तीन में से कितना, दो पाई बाई तीन, ठीक है, ये रहा दो पाई बाई कितना, तीन। मतलब जो एक्स है उसके कौन कौन से मान संभव है, साइन एक्स बराबर या तो आप लिखें क्या, साइन पाई बाई तीन या क्या लिखें, साइन टू पाई बाई तीन, दोनों ही बातें क्या हैं, सत्य हैं। इसलिए यहाँ एक्स का जो मान आने वाला है वो पाई बाई तीन है और क्या है, दो पाई बाई तीन, ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे, मुख्य मान कहलाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप आगे चक्कर नहीं लगा सकते भाई, तीसरे और चौथे में तो हमारा क्या रहेगा, साइन निगेटिव रहेगा, वहां तो हम लोग आंसर लगाने का प्रयास ही नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जहां जहां पॉजिटिव रहेगा, जहां जहां निगेटिव रहेगा उसे छोड़कर जहां जहां पॉजिटिव करणी तीन बटा दो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा हमारा होना क्या चाहिए, एक चक्कर जीरो से लेकर कहां तक, टू पाई के मध्य, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मुख्य मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, मुख्य मान। और मुख्य मान के लिए आपको इनके मान की टेबल क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो व्यापक हल की चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए व्यापक हल, व्यापक हल में क्या है, व्यापक हल में कुछ पॉइंट्स हैं मतलब कंडीशंस बनती हैं कि यदि पहली कंडीशन हो, क्या पहली कंडीशन हो कि यदि साइन एक्स बराबर क्या हो जाए हमारा, जीरो। यदि साइन एक्स बराबर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो बताइए इसके लिए जो व्यापक हल होगा वो क्या होगा, उस टाइम जो हमारा आंसर होगा वो जरा समझने का प्रयास कीजिए कि साइन जीरो कब कब होना है। देखिए ये हमारा जीरो अंश है, ये क्या हमारा पाई बाई टू है, ये हमारा क्या है पाई है, ये हमारा थ्री पाई बाई टू है और ये हमारा क्या है टू पाई है, ठीक है। साइन जीरो क्या, साइन जीरो हमें कहाँ मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा, ठीक है, दूसरा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, फिर तीसरा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, फिर चौथा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। मतलब साइन जीरो कब कब होगा, अगर हम लोग बात करें तो साइन एक्स बराबर जीरो तब होगा जब क्या रहे, साइन जीरो रहे, ठीक है। दूसरी बात, साइन जीरो कब होगा, जब साइन एक्स बराबर क्या रहे, साइन पाई रहे। तीसरी बात, यदि साइन एक्स बराबर क्या जीरो है तो साइन कब जीरो हो सकता है, टू पाई पे हो सकता है। फिर क्या रहे, यदि साइन एक्स बराबर हमारे पास फिर से आए तो ये क्या रहे हमारे पास, साइन तीन पाई रहे। तो आप देख पा रहे हैं साइन का मान हमेशा कहाँ कहाँ जीरो होता है, एक तो यहाँ जीरो होता है और एक कहाँ जीरो होता है, यहाँ जीरो होता है। हम लोग अगर चक्कर लगाते रहे तो हमें आंसर तो मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों में व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम एक क्या लिखते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख देते हैं, व्यापक फॉर्मूला लिख देते हैं जो सभी को क्या करता है, संतुष्ट करता है। जैसे यदि हम लोग लिखें कि जो एक्स है वो बराबर है एन पाई के, किसके, एन पाई के, फॉर ऑल
ये उल्टा है जिसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल, सभी के लिए। ये हमारा क्या है, ये जो सैंपल है उल्टा ए का, इसे कहते हैं सभी के लिए। ठीक है, मतलब सभी किसके लिए, यन के लिए, सभी यन के लिए इज द एलिमेंट ऑफ जेड। ठीक है, इंटीजर क्या है हमारा, इंटीजर। आप जेड से इंटीजर निकाल के सब रखिए, आपको जो भी आंसर मिलेगा सब क्या करेगा, इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। देखिए, यदि आप यन का मान जीरो रखेंगे तो जीरो डिग्री मिलेगा, यन का मान एक रखेंगे तो क्या मिलेगा, पाई मिलेगा, दो रखेंगे तो दो पाई, तीन तीन पाई, चार चार पाई, इस प्रकार से आपको क्या मिलते रहेंगे, वैल्यू मिलती रहेगी। ये कब की बात है, जब साइन एक्स बराबर क्या रहेगा, जीरो रहेगा तब। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें दूसरा जो पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट है, यदि कॉस एक्स बराबर जीरो हुआ तब आंसर क्या होगा, कॉस एक्स बराबर जीरो हुआ तब आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, जनरलाइज फॉर्म में हम लोग इसे लिखने का प्रयास करेंगे। कॉस एक्स जीरो होगा तो इसका मतलब है कि कॉस जीरो कब होता है, कॉस नब्बे पर कॉस क्या होता है, जीरो होता है। नब्बे का मतलब कहां पर, पाई बाई टू पर, अगला कहां पर, तीन पाई बाई टू पर, अगला कहां पर, फिर से यहां आएगा। तो इसे हम लोग अगर लिखे तो इसे देखें, तो ये पाई बाई टू है। ठीक है, फिर कौन आएगा, थ्री पाई बाई टू आएगा। अगर हम लोग इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म लिखने का प्रयास करें तो इसे ऐसे लिखेंगे, टू एन प्लस वन इंटू क्या, पाई बाई टू। देखिए ध्यान से, एन की बात करें तो अगर एन को जीरो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। ठीक है, अगर एन का मान एक ले लेंगे, दो एक अन्नम दो एक, कितना हो जाएगा, तीन पाई बाई टू। मिल गया ना हमें, हमें इस प्रकार से इसे सेट करके लिखना है ताकि दोनों वैल्यू हमें मिले लेकिन उसमें कोई गलती ना हो। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, यक्स जो है वो बराबर है टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ जेड के लिए। ये भी बात क्या हमारे लिए सत्य है। ठीक है, यह रही आपके लिए कितनी बातें, दो बातें। आगे देखिए, अगर हम लोग आगे देखें तो तीसरी बात भी इसमें है, व्यापक हल में, क्या कि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हुआ, यदि साइन एक्स बराबर क्या हुआ, साइन वाई हुआ, तब बताइए एक्स के क्या क्या हल होंगे, मतलब साइन एक्स बराबर साइन वाई। तो एक्स का जो व्यापक हल होगा वो हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस एक की होल पावर एन इंटू क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई। यहां भी वही लिखेंगे हम लोग, क्या क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ क्या, जेड। ठीक है, ये रहा क्या, साइन एक्स बराबर साइन वाई के लिए। कॉस एक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉस एक्स की, और ये पॉइंट हो गया आपका कौन सा, चौथा। कॉस एक्स की बात करें कि यदि कॉस एक्स बराबर हमारे पास कॉस वाई हो जाए, कॉस एक्स बराबर क्या हो जाए, कॉस वाई हो जाए, तो एक्स के लिए जो आंसर निकल के आएंगे व्यापक हल में वो आएंगे क्या, टू एन पाई प्लस वाई। क्या आएगा, टू एन पाई प्लस क्या आएगा, वाई। समझ गए, मतलब ये हमारा आंसर है जिसमें हम लोग लिख रहे हैं फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ क्या, जेड। ठीक है, ये है। अगला क्या है हमारे पास, टेन के लिए, देख लीजिए किसके लिए, टेन के लिए, के लिए हमारे पास क्या, अच्छा यहाँ प्लस और माइनस दोनों रहेगा। ठीक है, टू एन पाई प्लस माइनस वाई। ठीक, अगला क्या हो जाएगा, टेन के लिए देखें तो टेन एक्स बराबर क्या है, टेन वाई। अगर टेन एक्स बराबर हमारे पास क्या है, टेन वाई है, क्या है, टेन एक्स बराबर टेन वाई है, तो एक्स के लिए जो बातें लिखी जाएंगी वो लिखी जाएंगी एन पाई प्लस वाई फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ क्या, जेड के लिए। ये बातें क्या होंगी हमारे लिए, सत्य होंगी। ठीक है, अब उदाहरणों के माध्यम से हम इसे कवर करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि इस प्रकार के सवालों को हम लोग क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो मुख्य मान की बात कर लेते हैं, तो मुख्य मान आपको ध्यान रखना है जीरो से टू पाई में रहना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो सवाल ऐसी मिलेगी कि साइन एक्स बराबर आपको क्या रहे, जीरो रहे, या कॉस एक्स बराबर जीरो रहे। तो इन कंडीशनों को सॉल्व करने के लिए आप ये टेबल क्या करें, तैयार कर लें, ताकि आपको सवाल लगाने में क्या हो, आसानी हो। उदाहरणों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास कोई और भी एक्स्ट्रा प्रश्न बचता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम आगे, आपकी प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए सूत्र यहां लिखे रहेंगे ताकि हमें क्या रहे, आसानी रहे। देखिए सबसे पहले प्रश्नावली हमारी है 3.4 जो NCERT से है। ठीक है, इसे हम कवर कर रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या एक में उन्होंने कहा है निम्नलिखित समीकरणों के मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, मुख्य हल के साथ साथ व्यापक हल भी ज्ञात करना है, जिसमें उन्होंने पहली सवाल रखी है क्या टेन एक्स बराबर अंडर रूट तीन, टेन एक्स बराबर अंडर रूट तीन। ध्यान से देखिए टेन एक्स बराबर अंडर रूट तीन, तो सबसे पहली बात तो हमने आपसे कहा कि आपको क्या याद होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए जिसमें आपको क्या
करणी में 3, 10 कितने का मान होता है यह आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिए सवाल लगाते हैं सबसे पहले किसके लिए, मुख्य मान के लिए। तो मुख्य मान में अगर हम लोग देखें तो आपको यह टेबल आनी चाहिए, कार्तिक तल भी आना चाहिए। यह हो जाएगा ए एस टी और सी। 10 की बात हो रही है तो 10 यहां पॉजिटिव रहेगा और कहां पॉजिटिव रहेगा, यहां पॉजिटिव रहेगा। कहां पहले खाने में और तीसरे खाने में, तो जो इसका आंसर बनेगा वो कहां कहां मिलेगा हमें, पहले खाने में और तीसरे खाने में। देखिए कैसे, देखिए 10 x बराबर करणी में 3 है तो इसके लिए हमें क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। देखिए हमें कार्तिक तल पता है, ये होता है ए, यहाँ यस, यहाँ टी, यहाँ सी। बात किसकी हो रही है, 10 की बात हो रही है। तो 10 क्या होता है, पहले खाने में पॉजिटिव होता है 10, और किस खाने में, तीसरे खाने में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट में और थर्ड में। तो जो हमारा व्यापक हल का आंसर बनेगा वो पूरे एक चक्कर में बनेगा, मतलब जो x रहेगा वो बिलोंग्स टू कहाँ रहेगा, 0 से लेकर के कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 पाई में। तो 0 से 2 पाई में अगर हम लोग देखें तो शुरुआत यहाँ से होती 0 और फिर से अगर एक चक्कर लगा के आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा 2 पाई। तो जो हमारा आंसर मिलेगा वो फर्स्ट पहले वाले खाने में, प्रथम चतुर्थांश में और तृतीय चतुर्थांश में। तो देखिए पहले सबसे पहले पहले खाने की बात कर लेते हैं, तो पहले खाने में हमारे लिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर होगा कि 10 कितने का मान करणी में 3 होता है। हम देखें तो ये बात हो जाएगी 10 x बराबर 10 पाई बाई 3 का मान जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो x की वैल्यू बनी वो क्या बनी, पाई बाई 3। ये तो कहा रहा पहले खाने में, लेकिन 10 एक बार और भी क्या होता है, करणी में 3 होता है। वो कब, जब क्या होता है, वो तीसरे खाने में होता है। तो तीसरे खाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो हो गया प्रथम चतुर्थांश में, तो यहां हो जाएगा क्या, 10 x बराबर क्या, अंडर रूट 3। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश के लिए, किसके लिए, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में 10 फिर से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 x बराबर कितना, 10 कितना, हम लोग इसे लिखें तृतीय चतुर्थांश में जाने के लिए तो पाई में क्या जोड़ देते हैं, पाई बाई 3 जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा 10 x बराबर 10, 3 एक 3 एक 4 पाई बाई 3, 10 4 पाई बाई 3, 10 से 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, x का मान क्या हो जाएगा 4 पाई बटा 3। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा x का, वो आंसर होगा x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है मुख्य मान के लिए, पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। ठीक है, ये रहा आपका क्या, मुख्य मान के लिए। अब अगर हम लोग व्यापक की बात करें, किसकी व्यापक की, व्यापक की बात करें तो व्यापक के लिए देखिए 10 x बराबर 10 y का ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कि x x बराबर n पाई प्लस क्या y। ठीक है, देखिए यहां लिखते हैं क्या, यहां लिख देते हैं। ठीक है, देखिए किसके लिए, व्यापक हल के लिए, व्यापक हल के लिए क्या हो जाएगा, व्यापक हल के लिए हो जाएगा 10 x बराबर रूट अंडर 3 है हमारे पास, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे क्या, 10 x बराबर 10 पाई बाई 3। तो ये जो हमारा है 10 x बराबर क्या हो गया, 10 y हो गया। इस कंडीशन में हम लोग जब लिखेंगे तो x क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू n पाई प्लस पाई बाई 3। समझ रहे हैं, वेयर x, वेयर n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या है, z, वो क्या है हमारे पास, पूर्णांक संख्या, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर। अगर n का मान हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहला वाला उत्तर मिलेगा पाई बाई 3। n का मान 1 रखेंगे, 3 एक 3 और 1 कितना, 4 पाई बाई 3। n का मान 2 रखेंगे, 3 दूना 6 एक 7 पाई बाई 3। मतलब हम लोग वे वैल्यू ज्ञात कर ले रहे हैं जहां जहां 10 क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये हमारा क्या है, व्यापक हल है। ये हमारा कौन सा हल है, व्यापक हल। ठीक है, इस प्रकार ये रहा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 हमारे पास है सेक 2 का, क्या, सेक 2 का मुख्य एवं व्यापक मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेक x बराबर 2। सेक की बात करें तो अगर हम लोग चतुर्थांश में देखें तो सेक सबसे पहली बात तो पहले खाने में पॉजिटिव होता है और उसके बाद यस टी सी चौथे खाने में पॉजिटिव होता है। सेक कहां कहां पॉजिटिव होता है, पहले खाने में और चौथे खाने में। तो पहले खाने के लिए सबसे पहले पहले खाने की बात कर लेते हैं। sec x बराबर हमारे पास क्या है, 2। sec x जो होता है 2, वो कितने का मान होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो cos का उल्टा ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, sec x बराबर sec पाई बाई 3।
x बराबर sec पाई बाई तीन, तो sec sec से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई तीन, x बराबर क्या हो गया हमारा, पाई बाई तीन। लेकिन अभी तो हम लोग पहले खाने में एक पूरे चक्कर में देखिए, और कहीं तो पॉजिटिव नहीं होता, तो हमें ये पता चला कि चौथे खाने में ये फिर से पॉजिटिव होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, sec x बराबर कितना, दो, कहाँ, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, sec x बराबर sec, क्या हो जाएगा, sec, चौथे खाने में है तो चौथे खाने के लिए लिख देते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई तीन, ये भी लिख सकते हैं, या 3 पाई बाई, 3 पाई बाई 2 में पाई बाई तीन जोड़ के लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तीन दूना छः, क्या हो जाएगा, छः, छः में से गए कितना, छः में से गए 5 पाई बाई तीन, मतलब x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 5 पाई बाई तीन, ठीक है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मुख्य मान के लिए जो x है वो बिलोंग करता है पाई बाई तीन और 5 पाई बाई तीन से, ठीक है। ये बात हो गई किसके लिए, मुख्य मान के लिए, किसके लिए, मुख्य मान के लिए। अब बात करते हैं किसके, व्यापक हल के लिए। देखिए व्यापक हल की अगर हम लोग बात करें तो व्यापक हल के लिए यहां लिख रहे हैं, देखिए व्यापक हल के लिए, व्यापक हल के लिए क्या हो जाएगा, sec x बराबर हमारे पास क्या है, दो, sec x बराबर हमारे पास क्या है, दो। अगर हम लोग sec x के लिए सूत्र लिखें तो sec x के लिए सूत्र हो जाएगा वन अपान cos x बराबर कितना, दो। हम लोग इसे क्या करते हैं, दो बटा एक लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए क्या करते हैं, तिरेक गुणा कर देते हैं, तो एक का गुणा यहाँ होगा एक, और यहाँ हो जाएगा बराबर क्या, टू cos x, ये क्या हो जाएगा, cos x बराबर वन अपान टू, cos x बराबर क्या हो जाएगा, वन अपान टू। हमने देखा था अभी कि जो होता है sec होता है वो cos का क्या होता है, उल्टा होता है, तो cos x बराबर एक बटा दो हुआ है, तभी तो sec बराबर कितना है, दो है। अब देखिए हमारे पास यहाँ sec के लिए कोई फॉर्मूला नहीं था, इसीलिए हमने इस sec को क्या कर लिया, इस sec को cos में बदल लिया है। अब हम cos के लिए देखते हैं, देखिए cos x बराबर हमारे पास क्या हो गया, एक बटा दो, तो cos एक बटा दो कितने का मान होता है, cos एक बटा दो मान होता है cos पाई बाई तीन का, कितने का, पाई बाई तीन का। तो ये हमारे पास जो सूत्र बना वो कौन सा बना, ये सूत्र बन गया हमारे पास cos x बराबर cos y, क्या बना, cos x बराबर किसका, cos y का। जब cos x बराबर cos y होता है तो इस वजह से हमारा जो आंसर होता है वो होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा या y, तो y का मान हमारे पास कितना है, पाई बाई तीन। ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा। देखिए अगर n का मान यहाँ क्या रखेंगे आप, जीरो रखेंगे तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, तब आपको आंसर मिलेगा प्लस माइनस पाई बाई तीन, प्लस माइनस पाई बाई तीन का मतलब है माइनस में भी वही आंसर मिलेगा और प्लस में भी मिलेगा, ये हो जाएगा पाई बाई तीन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव ले लीजिएगा, पॉजिटिव लेंगे तो ये हो जाएगा, फिर अगर एक रखेंगे तो ये हो जाएगा दो एकन्नम दो, दो में तीन से गुणा करेंगे छः, छः में क्या करेंगे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पाँच पाई बाई तीन हो जाएगा, ठीक है। और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, छः पाई बाई सात पाई, तीन दूना छः और एक सात पाई बाई तीन पर भी ये क्या देगा, वही मान देगा। तो ये हमारा किसके लिए, cos x के लिए क्या हो गया, व्यापक हल हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या तीन, जिसमें हमसे पूछा गया है cot x बराबर कर्णी में तीन, cot x बराबर, क्वेश्चन नंबर तीन, cot x बराबर कर्णी में तीन, वो भी माइनस के साथ। इसके लिए हमें क्या करना है, मुख्य मान और मुख्य मान के साथ साथ व्यापक हल भी ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, मुख्य मान, ठीक है। देखिए मुख्य मान की बात करें तो यहां क्या लिखा है, माइनस कर्णी में तीन, क्या लिखा है, माइनस कर्णी में तीन। तो सबसे पहले यह ढूंढिए कि कर्णी में तीन कितने का होता है, टेन साठ अंश का मान कर्णी में तीन होता है, इसका मतलब कॉट तीस अंश का मान जो होगा वो क्या होगा, कर्णी में तीन होगा। ध्यान से देखिए, दूसरे ये कॉट वो भी क्या है, निगेटिव है। तो देखिए अगर हम लोग चतुर्थांशों की बात करें, यहां होता है ऑल पॉजिटिव, यहां साइन और कॉस कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहां क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो पहले खाने में तो ये पॉजिटिव होता है तो हमारा आंसर फर्स्ट खाने में नहीं बनेगा, और दूसरे खाने में निगेटिव होता है बनेगा, तीसरे खाने में फिर से पॉजिटिव होता है तो यहां भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, कहां बनेगा, चौथे खाने में। मतलब जो हमें मुख्य मान मिलने वाला है वो पूरे एक चक्कर में द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में बनेगा। देखिए हम लोग देखें, इसे लिखने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा cot x बराबर cot, cot x बराबर cot, यहां कितने का मान होता है, कर्णी में तीन, तीस अंश का। तो तीस अंश का जो रेडियन में मान होता है वो पाई बटा 180, मतलब पाई बटा कितना होता है, छह होता है, पाई बटा कितना होता है, छह। तो इस खाने में आ रहे हैं, तो इस खाने में या तो आप इसमें से घटा के लिख लीजिए,
पाई माइनस पाई बाई 6 करके लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको आंसर मिलेगा 6 × 6, 6 में से कितना 5 पाई बाई 6, या आप पाई बाई 2 में क्या करिए पाई बाई 6 को जोड़ के लिख लीजिए, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 प्लस कितना हो जाएगा 6 × 6 यहाँ पाई, 3 × 1 कितना हो जाएगा 4 π/6, कितना हो जाएगा 4 π/6, 6 × 6 = 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 π/6, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा एलसीएम हमारा 6, 2 × 6 = 6, 3 यहाँ हो जाएगा 6 × 6 π हो जाएगा 4 π/6। तो देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 5 π/6 और 5 π/6, ठीक है, पाई बाई 2 से नहीं देखेंगे दूसरे खाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा cot कितना, पहले खाने के लिए पाई बाई 6 जो है वो तो हमारे लिए क्या है पॉजिटिव है, तो दूसरे खाने में लिए क्या लेंगे 5 π/6, यही दूसरे खाने में ये हमारे लिए क्या है निगेटिव है, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 5 π/6, ठीक है। देखिए x का एक मान मिल गया, ये किस खाने में है वो दूसरे खाने में, अब हमें कौन से खाने में चलना है चौथे खाने में, तो चौथे खाने के लिए देखिए चौथे खाने के लिए हो जाएगा cot x बराबर cot कितना, चौथे खाने की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा कितना है 2 π, क्या है 2 π, ये हो जाएगा कितना 2 π, 2 π में से क्या कर रहे हैं हम लोग पाई बाई 6 घर रहे घटा रहे हैं, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 12 में से गया तो 11 π/6, क्या हो जाएगा ये 11 π/6, ये हो गया यक्स बराबर 11 π/6, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा जो x के मुख्य मान आएंगे वो कौन कौन से रहेंगे, x का जो मुख्य मान है वो है हमारे पास 5 π/6 और कौन सा है 11 π/6, ये तो हुई मुख्य मान की बात। अब हम बात करेंगे किसके cot के लिए व्यापक हल की, तो cot के लिए व्यापक की बात करें अगर हम लोग तो देखिए व्यापक हल के लिए, व्यापक हल के लिए, तो व्यापक हल के लिए सीधे सीधे cot है तो cot के लिए क्या हो जाएगा cot x बराबर -√3, ठीक है। cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, तो 1/10x बराबर हो जाएगा -√3, तो ये हो जाएगा क्या 10x बराबर क्या 1/√3, वो भी किसमें माइनस में। देखिए अब देखिए ध्यान से कि 10 कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, 10 कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, जहाँ जहाँ cot निगेटिव होता है यहाँ पॉजिटिव होता है यहाँ पॉजिटिव, दूसरे खाने में भी ये निगेटिव और दूसरे खाने में ये भी क्या रहेगा हमारा निगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर tan x बराबर tan y होता है तो हमारे लिए जो सूत्र बनता है वो होता है n π + y, तो n π + y, लेकिन सबसे पहले तो ये पता करना है कि tan -1/3 कितने का मान, तो 30 अंश का, और 30 अंश को रेडियन में क्या कहते हैं π/6, तो यहाँ हो जाएगा क्या tan x बराबर tan क्या π/6, ठीक है। अब देखिए ध्यान से π/6 की बात करें तो ये हमारा π/6 पहले खाने में पॉजिटिव के लिए रहेगा, लेकिन हमें निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा ये 5 π/6, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा व्यापक हल के लिए x बराबर क्या हो जाएगा n π + 5 π/6, ये हो गया x के क्या व्यापक मान के लिए फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ z, ठीक है, ये हुआ क्या व्यापक हल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है cosec x बराबर -2, cosec x बराबर कितना है -2। देखिए अगर cosec x बराबर हमारे पास क्या है -2 है तो क्या करेंगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले तो वो चतुर्थांश देखते हैं किस किस चतुर्थांश में cosec क्या होता है निगेटिव होता है, तो ये हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये कौन सा चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारा ऑल पॉजिटिव होता है a, यहाँ यस साइन और cosec पॉजिटिव, यहाँ भी नहीं मिलेगा tan cot और cosec, मतलब 3 और 4 में ये दोनों क्या होते हैं cosec जो होता है वो निगेटिव होता है, तो इसकी अगर बात करें तो 2 कितने का मान होता है, तो 2 जो मान होता है cosec x बराबर -2, कौन से चतुर्थांश में तृतीय तल में, कहाँ तृतीय तल में, ठीक है तृतीय तल में, तो दूसरा ये तृतीय तल में है, तो तृतीय तल की बात जब हम लोग करेंगे तो तृतीय तल में हमारे पास 2 जो मान होता है वो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2, इसलिए cosec का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 30 अंश का होगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 अंश को अगर हम लोग रेडियन में बदले तो ये हो जाएगा π/180, मतलब π/6, लेकिन हमें खाना कौन सा चूज करना है तीसरा और चौथा, तो तीसरे और चौथे के लिए हो जाएगा π + π/6 तीसरे खाने के लिए, क्योंकि ये π है
और पाई में पाई पाई छह जोड़ेंगे तो खाना कौन सा हो जाएगा, तीसरा खाना। छह कन्नम छह, छह में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सात पाई बाई छह। मतलब ये हो जाएगा कौशिक यक्ष बराबर कौशिक सात पाई बाई छह। तो यक्ष का मान कितना हो जाएगा, सात पाई बाई छह। ये किस तल में, ये तिथि तल के लिए हुआ। अब हम बात करेंगे चतुर्थ तल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कौशिक यक्ष बराबर माइनस दो, किस लिए, चतुर्थ तल में। कहां पर, चतुर्थ तल में। तो चतुर्थ तल में कौशिक एक्स बराबर माइनस दो है, तो देखिए चतुर्थ तल के लिए अगर हम लोग बात करें तो चतुर्थ तल में जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू पाई माइनस पाई बाई कितना, छः। छः दूनी बारह, बारह में से एक गया कितना, ग्यारह। अच्छा गलत हो गया, पाई बाई तीस, पाई बाई छः ही हो जाएगा, ठीक है। छः दूनी बारह और एक ग्यारह, पाई बाई कितना हो जाएगा, छः, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कौशिक एक्स बराबर कौशिक 11 पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 11 पाई बाई 6, ठीक है। तो मुख्य मान की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, cosec belongs to, या cosec जो है उसका मुख्य मान है 7 पाई बाई 6 और कौन, 11 पाई बाई 6, ठीक है, ये मुख्य मान है। व्यापक हल की बात करें, किसकी बात करें, व्यापक हल की। देखिए व्यापक हल, व्यापक हल हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है कौशिक एक्स बराबर माइनस दो। तो कौशिक को क्या लिखेंगे हम लोग, वन अपान साइन की फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है वो साइन कॉस टेन में है, तो हम लोग भी इसे साइन में बदलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स बराबर माइनस एक बटा दो। साइन कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, पहले खाने में पॉजिटिव और दूसरे खाने में, तीसरे और चौथे में साइन भी निगेटिव होता है, और एक बटा दो तीस अंश का ही मान होता है। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, साइन एक्स बराबर साइन, साइन एक्स बराबर साइन कितना हो जाएगा, साइन सात पाई बाई छः, कितना हो जाएगा, सात पाई बाई छः। तो एक्स का जो साइन एक्स बराबर, जब साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन वाई होता है, तो हमारे पास सूत्र होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस एक की होल पावर एन इंटू सात पाई बाई छः, फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ, फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ, किसके लिए, जेड के लिए, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने आज की वीडियो में प्रश्न संख्या चार तक कवर किया है। आगे की वीडियो में हम आगे की सवालों को कवर करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।